चल झूठा। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज सुबह सुबह कैसे काट रहे हो? अब बनाऊंगी खाना। मेरा मतलब ही नहीं कुछ ऐसे लोग आए। तो शर्मा जी को गुस्सा आ रहा है अभी कि मैं धुली है साड़ी वगैरह। हाँ, पर पानी नितरने के लिए छोड़ा है ना। बेटा पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, लोगों के कपड़ों का धुले जा रहे हैं। बारिश कंटिन्यू चल रही है 3-4 दिन से, कपड़े भी नहीं सूख रहे, मशीन में डालने के बाद में भी वो गीले ही है। और अभी मैं आलू कट कर रही हूँ, आलू और प्याज टमाटर की सब्जी बनाऊंगी मैं आज। तो बस बना ही रही हूँ तो उधर से शर्मा जी बातें भी कर रहे हैं मेरे साथ में, और उनके साथ बातें नहीं किए तो उनका कुछ ये होता है कि मेरे से बात नहीं करते हो, काम ही करते हो, तो आने के बाद में उनसे बात करना ज़रूरी होता है और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प वो भी करते हैं। तो मैं अभी बना ही रही हूँ तो उनका थाली वगैरह वो लेंगे खाने के लिए और लेकर बैठेंगे। तो आज मैंने दाल चावल कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ आलू का साग और पराठे बनाए हैं मैंने। तो बस बैठ ही रहे वो खाने के लिए। और अभी मैंने आज बहुत दिक्कत हो रही थी कि कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो इसके लिए अभी और शर्मा जी आ के मुझे बता रहे थे कि कुछ तो उनके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही थी। तो मेरे से वो डिस्कस डेली ऐसा कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं वो। तो उनको पता नहीं था कि कैमरा चालू है, वरना वो आते नहीं थे वहाँ पे। तो अभी बातें चल रही है हमारी और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना, इसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप बताना कि आपको देखना अच्छा लगता है क्या। तो अभी बस बन गया है मेरा पराठा और शर्मा जी की फिर भी बातें ख़त्म नहीं हो रही है। मैं बार बार उनको बोल रही हूँ कि आप बैठ जाइए, तो अभी बैठेंगे वो। और ये मैंने आलू का साग दे दिया उनको और ये दूंगी मैं उनको अभी पराठा। तो सुबह में बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो मुझे आज मैंने थोड़ी तैयारी करके, थोड़ा मेकअप वेकअप करके मैंने आज वो शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा शूट किया था। तो मुझे थोड़ा लेट हुआ ये आने के बाद में, नहीं तो मैं साग वगैरह पहले ही बन जाता है मेरा, और पराठे वो आने के बाद में मैं बनाती हूँ। तो अभी बन गया है मेरा पराठा और हो गया है मेरा बनाना, तो बच्चे आने के बाद बनाऊँगी गरम। तो बन गया है मेरा डिनर, मैंने बनाया है कड्डी, देखिए आप, और रोटी का चूरमा बनाई थी मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कड्डी, थोड़ा सा आलू का साग मैं खाती नहीं हूँ, पर थोड़ा सा लिया है मैंने साग, देखिए, चलिए खाते हैं। तो कभी हुआ ये भी, कभी रहो मेरे भी तू था मेरे साथ, ये भी हुआ कभी जैसे हुआ अभी तुझको साथ। तो मेरा डिनर हो गया है और अब मैं आधी घंटा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद में मैं आ गई हूँ काम करने के लिए, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए मैं काम छोड़ देती हूँ और पहले खाना खाने के बाद में मैं सब काम करती हूँ। तो अभी मैं सब काम फिनिश करूँगी। तो सब में पहला काम है बर्तन घस के किचन ओटा साफ़ करना, तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बीच बीच में भावेश और उसके पापा मेरे से बातें कर रहे थे, तो आज
थोड़ा सा मुझे टाइम लगा है काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे, सभी काम मेरे छोड़ दिए थे, किया नहीं था मैंने। पहले खाना खा लिया मैंने, और अब करूँ किए मैंने बर्तन घस लिए और गैस वगैरह सब घस के अच्छे से चकाचक धो के मैं रखूँगी। और भावेश भी मुझे मेरी हेल्प कर ही रहा है, चालू है उसका भी कुछ ना कुछ काम करना। तो सभी मुझे घर में हेल्प करते हैं, थोड़ा बहुत जिनसे जैसे बनता है वैसा करने लगते हैं मुझे। तो बस हो ही गए हैं मेरे अभी काम। तो और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बाहर से मंगाया था खाने के लिए, और थोड़ा बहुत जो किराना ख़त्म हो गया था वो भी मैंने मंगाया था। तो मैंने सब एडजस्ट कर करके सब रख दिया। तो ये जो लाए थी बच्चों के खाने के लिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको क्या बोलते मुझे पता नहीं है। तो मैंने वो सब दूसरे इसमें भर के, सब डब्बों में भर के अभी किराना रख दिया है मैंने। और मैं नीचे ही रखती हूँ डब्बे, क्योंकि मेरे से ऊपर से उठाकर नीचे लेना होता नहीं है, इसके लिए मैं भगवान के नीचे में रखती हूँ। और अभी भावेश आ गया है, उसको एक ही काम बोला था ये रखने के लिए, हेल्प करता कम है काम बढ़ाता ज़्यादा है मेरे। तो उसने वो गिरा दिए, जो भी साबुन वगैरह रखने का काम दिया था मैंने उसको, तो उसने वो नहीं किया। और अभी मैं मंदिर साफ करूँगी, क्योंकि कल की पूनम है और फिर सावन महीना लग जाएगा, तो इसके लिए मुझे सब तैयारियां करके रखनी है सुबह के लिए। तो मैं आज दोपहर में, मेरे पास में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं करके रख देती हूँ। तो अच्छे से मैंने सब संभाल, सब सामान भगवान का बर्तन वगैरह सब मैंने घस के रखे और सब क्लीन करके रखा है मैंने। भगवान की पूजा तो मेरी हो ही गई थी सुबह में, पर मैंने सोचा कि अभी करके रखूँ तो सुबह में मुझे इजी जाएगा पूजा करने के लिए। आज सुबह से आपने देखा ही है कि कितने काम चल ही रहे थे, क्योंकि कल से सावन महीना, कल पूनम है, परसों से सावन महीना लग जाएगा। तो घर के पूरे भगवान के मंदिर की पूरी सफाई आज मैंने कर ली, और भगवान तो सुबह ही नहलाई थी मैंने, पर जो एक्स्ट्रा की सफाई होती है वो पूरी मैंने सारी मेरी हो गई है। और अभी मैं बत्तियाँ, देखिए मैंने बत्तियाँ निकाल के रखी है, अभी मैं बत्तियाँ घी में, ये तो मैंने उसमें के डब्बे, थोड़े ही डब्बे ख़राब हो गए थे बत्तियों के, तो वो मैंने घसने के लिए डाल दिए हैं। और अभी मैं बना के रखूँगी बत्तियाँ, तो मेरा सावन महीने में जो भी डेली की बत्तियाँ लगेंगी वो सब रेडी करके रखूँगी मैं, जो भी मंदिर मुझे ले जाना होता है। वैसे तो मैं डेली ही मंदिर जाती हूँ, पर डेली जाती हूँ तो दिया वगैरह इतना मैं ये नहीं करती, लोटा लेकर चल जाती हूँ और जल्दी से आ जाती हूँ मंदिर जाकर, एक जल का लोटा लेकर चढ़ा के आ जाती हूँ। पर अब सावन महीना लग गया है तो सब लेकर जाना ज़रूरी होता है, तो इसके लिए मैं डेली बत्ती वगैरह सब लेकर जाऊँगी, तो उसकी सारी तैयारी चल रही है मेरी। तो अभी मैं घी में डुबा कर बत्तियाँ बना कर रखूँगी। फ्रेंड्स, आप मुझे सपोर्ट कर ही रहे हो, पर और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। जब कमेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच इसके लिए। और अभी मैं घी गरम करने रख दिया है मैंने, अभी बत्तियाँ सब बना के रखूँगी। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। गाइस, आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताएं मुझे कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।